सीमांचल में बाढ़ का नाम और निशान मिटने के बाद सीएम नीतीश कुमार क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। वो मंगलवार को मनिहारी इलाके का दौरा करेंगे और बागमारा में गंगा के कटाव का जायजा लेंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन विभाग की टेक्निकल टीम भी होगी। चंद दिनों पहले खबर सीमांचल ने इस इलाके में तबाही व बर्बादी की खबरें दिखाई थी, जिसके बाद सांसद और विधायक ने क्षेत्र का दौरा किया था। सीएम नीतीश कुमार के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज है। जिला प्रशासन ने मनिहारी पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया है। इस मौके पर एडीएम विजय कुमार चौधरी, एसडीएम कुमार सिद्धार्थ, डीएसपी मनोज कुमार, बीडीओ रणधीर कुमार और सीओ राजेश रंजन ने व्यवस्था का जायजा लिया है। अहमदाबाद क्षेत्र एक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोगों को 4 माह तक बाढ़ से प्रभावित रहना पड़ता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर अच्छे अच्छे घरों से रिश्ता नहीं आते, अगर आते भी हैं तो वो टूट जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण बस एक ही है, सिर्फ और सिर्फ बाढ़, क्योंकि हम लोग बाढ़ के कारण बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक देखा गया है यहाँ पे कि किसी के यहाँ शादी में भी उपहार के तौर पर नाव दिया जाता है। जो विस्थापित हैं उसका पुनर्वास और नदी का धारा को चेंज करने के लिए जहाँ गाद और बालू जमा है उसको डेजी कटर से कटिंग कराना या जिस विधि से हो वो करना, और जहाँ जो जरूरत पड़े ठोकर और स्पर का उसका करना। तो हम लोग जो आज आए हैं कटाव देख रहे हैं, आने वाला वर्ष में कटाव का संभावना, पानी का बहाव, गंगा जी का चौड़ाई, एक एक चीज पर हम लोग गहराई से कर रहे हैं और आप लोग देख ही रहे हैं कि सब लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट बन करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जाएगा और वहाँ हम लोग पूरा सख्ती से सरकार से मांग करेंगे कि कटिहार में जो गंगा नदी से कटाव और जो विस्थापन हो रहा है इसका बचाव का काम हो।